यहाँ पर कोई भी स्नो नहीं है, मेरे को स्नो के साथ खेलना था। यार ऐसा देख रहा पागल हो जाते हैं कुछ लोग। अटल टनल मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। यार इतना अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी बाइक से अटल टनल में जा रहा हूँ। ओहो ठंड तो एक नंबर की है और व्यू भी एक नंबर का है बॉस। हाय गाइस वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। और फाइनली आज हम लोग जाने वाले हैं सोलांग वैली। मनाली जिस लिए आए थे ना स्नो देखने, तो वो इच्छा आज हमारी पूरी हो जाएगी क्योंकि अभी तक स्नो देखने को नहीं मिली है, तो वो फीलिंग नहीं आई है मनाली वाली। मेरी जानू भी कल कह रही थी। और धूप देख रहे हैं कितनी आ रही है हमारे रूम में, अच्छी खासी मतलब धूप आ रही है, तो ठंड तो नहीं लग रही है, सही लग रहा है। गाइस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी मंगा लिया है, ये है चाय और ये है परोठे। पराठे, अरे परोठे पराठे सब कुछ एक ही है भाई। ये लो और अचार भी है, ये मस्त है, होटल में ही मंगा लिया, सही है। अब हम लोग पराठे खा के यहीं से निकल चलेंगे। तो गाइस आ गए हैं हम अपनी बाइक पे और सफर शुरू होने वाला है सोलांग वैली के लिए। निकल चुके हैं, निकल यहाँ से अपन को मुड़ना है राइट। धूप में सही लगता है, छाँव में ना बहुत ठंड लगती है, यहाँ पहाड़ों पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब मनाली की हर राइड में आप लोग को ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ ज़रूर दिखेंगे और आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा बर्फ, मज़ा आ जाएगा। मनाली का वैसे असली मज़ा ना बर्फ में ही है। हडिम्बा देवी टेम्पल गए थे यार, अच्छा था, सही है, बट जब मैं पिछली बार आया था तो बर्फ़ मिली थी मुझे, बहुत ज़्यादा स्नो मिली थी, तो वो आँखों में बसी हुई है, तो मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया इतना। सोलांग में तो बर्फ़ मिलेगी। अब चलते हैं, 28 मिनट दिखा रहा है 11 किलोमीटर यहाँ से। सोलांग वैली में बर्फ़ से खेलने के लिए सब ड्रेसेस मिल रही हैं, बट हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट टॉप पर लेंगे, जहाँ बाइक लगाएंगे पार्किंग उसी के आसपास ले लेंगे, क्योंकि ये सब वहाँ ऊपर भी मिलता है। लेकिन अगर आप कैब ऐप करते हैं ना, पिछली बार मैं कैब करके आया था, तो कैब ऐप करेंगे तो वो सब लोग यहीं रोकेंगे, क्योंकि उनकी दुकानें जो होती ना वो फिक्स्ड होती हैं। बट अपने पास तो बाइक है, तो हम जहाँ चाहेंगे वहाँ लेंगे। क्या भाई डिस्को डांस कर रहा था रास्ते में, पिछली बार कैब किया था तो मुझे याद है शायद 1200 रुपये समथिंग लिया था उसने। लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करने का, बट जगह मिली तो कर लिया। मुझे तो डाउट हो रहा है कि सोलांग वैली में बर्फ़ मिलेगी ना, क्योंकि पिछली बार यहाँ से थोड़ा सा बर्फ़ बर्फ़ दिख रहा था, मतलब स्नो दिख रही थी पूरी, अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि बर्फ़ है भी कि नहीं है। स्नो नहीं मिलेगी तो मज़ा ख़राब हो जाएगा आने का। गाइस खतरनाक वाली स्लोप है, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। वो देखो पहाड़। गाइस मुझे लग नहीं रहा है कि सोलांग वैली में भी स्नो मिलेगी बढ़िया वाली, क्योंकि स्नो होती ना तो आजू बाजू भी है स्नो से कवर्ड, मतलब स्नो दिखती यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पता नहीं यार, अगर स्नो ढंग की नहीं हुई, हल्की फुल्की स्नो हुई तो कोई फ़ायदा नहीं है कपड़े लेने का, और अगर सही ठीक ठीक स्नो मिलेगी तो ले लेंगे। हाँ भाई स्नो ड्रेस यार। क्या मस्त लग रहा है, सिर्फ 3 किलोमीटर बचा है गाइस, सोलांग वैली बस आ ही गया। स्नो का तो नामो निशान ही नहीं है। यही है सोलांग वैली और यहाँ पर कोई भी स्नो नहीं है, मेरे को स्नो के साथ खेलना था।
क्या यार, स्नो ही नहीं मिली गाइस। यहाँ पर जो मेन पॉइंट नहीं है, आपने देखा होगा रोप पे लिखा होता है, ये पीछे रह गया, शूट नहीं कर पाया मैं। वहाँ पर पूरा खाली पड़ा है, मैदान है खाली, कोई भी स्नो नहीं है। स्नो का क्या, इससे ज़्यादा स्नो तो मेरे फ्रिज में है। ओ यार, ऐसा देख के पागल हो जाते हैं कुछ लोग। कुछ लोग क्या, पीछे तो बैठी है वो पागल हो गई है, और जो आगे चला रहा है वो भी पागल हो गया है। सोलांग वैली की जगह अब हम लोग जा रहे हैं अटल टनल। सोलांग में तो बर्फ़ मिली नहीं, एक भाई से बात हुई थी, अटल टनल में भी कोई बर्फ़ नहीं है, बट अब जाना तो है, एक बार देखना तो है अटल टनल मुझे, तो अटल टनल चलते हैं। यहाँ से बस 3-4-5 किलोमीटर ही बता रहे हैं। आई थिंक ये सारी जो गाड़ियाँ जा रही हैं ना, ये सब अटल टनल लेके जा रही हैं, तो बर्फ़ सिर्फ ऊपर देखने को मिलेगी पहाड़ पे। अरे दिखी मुझे थोड़ी सी स्नो दिखी वो बची कुछ ही स्नो तो दिखी गई है यार मुझे। ये देखो स्नो, ये मिल गई, यहाँ पर भी पड़ी है, यहाँ पर भी पड़ी है। हाँ ये स्नो ही है। ये देखो भाई लोग भी स्नो देखने जा रहे हैं यार। जानो स्नो है देखो यहाँ पर। हाँ एक काम करो ना, उतर के इसी स्नो से खेल लेते हैं हम लोग। चलो ये देखो सर फोड़ने वाली स्नो है। जब अटल टनल नहीं है तुम भी यार आएगा आएगा। स्नो कॉस्ट्यूम तो पहन के रखी है सभी ने, स्नो तो है नहीं यहाँ पर। ये रही स्नो ड्रेस जो किसी काम की नहीं है अभी। यहाँ पर कोई भी बर्फ़ नहीं है, और अभी किसी से पूछा है खुकसर नाम की कोई जगह अटल टनल के आगे, तो वहाँ शायद बर्फ़ मिलेगी, शायद, वो भी कंफर्म नहीं है। चलो जय बजरंग बली। चढ़ जाएगी 4.5 किलोमीटर है अटल टनल अभी भी। टनल नहीं आया है, कुछ और ही आया है। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप मैगी खाओ, भुट्टा खाओ, भुट्टी खाओ, और छुट्टी कर दो सबकी। अटल टनल आ गया है, अटल टनल रोहतांग। ओह माय गॉड, फाइनली मैं इस जगह पहुंच गया। ऑसम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जानदार। हो अटल टनल, ये सिर्फ मैंने वीडियो में ही देखा था, और आज लाइव देख रहा हूँ। मज़ा ही आ रहा है यार, मज़ा ही आ रहा है, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। स्पीड लिमिट 40, तो मैं 40 कर लेता हूँ यार, रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। यार इतना अच्छा लग रहा है, इतना एक्साइटेड था मैं इस जगह को, मतलब इस जगह पे आने के लिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए यार। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपनी बाइक से अटल टनल में जा रहा हूँ। ओहो जानू मज़ा आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियोस में देखा था कि अटल टनल अटल टनल, और फाइनली वी आर हेयर। आज अटल टनल तक राइड मैंने कंप्लीट कर ली है, ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग राइड है। पहले लखनऊ टू चंडीगढ़, उसके बाद चंडीगढ़ टू मनाली, और उसके बाद मनाली टू अटल टनल। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर स्नो मिल जाती ना आस पास, तो फिर तो और मज़ा आ जाता। तो बस
इस राइड को एंजॉय करता हूँ और आप भी एंजॉय करिए मेरे साथ साथ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। अब स्पीड लिमिट बढ़ गई है, 60 हो गई है और मैं चल रहा हूँ 50 पे। गंदा नहीं करने का कुछ भी, बहुत ही बढ़िया रोड बना रखी है इन्होंने और जबरदस्त ऑसम। चलो 1 2 3 ये यार इतनी गुदगुद हो रही है अंदर, मजा आ रहा है। टनल में चला रहा हूँ, बाइक राइड कर रहा हूँ। गाइस इस टनल में कोई भी स्टॉपिंग और ओवरटेकिंग अलाउ नहीं है, तो आपको ओवरटेक नहीं करना है, आपको सिंपली अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए निकल जाना है। रुकना भी अलाउ नहीं है कि आप यहाँ पर रुक के फोटोग्राफ्स क्लिक करवाएं या ऐसा कुछ, तो यहाँ पर कुछ भी करना मतलब ठीक नहीं है, अलाउ भी नहीं है। तो रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो आराम से हम लोग इसको क्रॉस कर लेंगे। बस अब राइड को एंजॉय करो इस टनल में और निकल जाओ। फाइनली अटल टनल को क्रॉस कर लिया है और निकलते ही इतना ज़्यादा क्राउड, वो देखिए सामने। तो अभी चलते हैं आगे, यहाँ नहीं रुकूंगा अभी मैं। क्या मस्त लग रहा है, ओ हो हो। यहाँ पर लोगों ने स्नो ड्रेस पहन रखी है जो कि कोई फायदा नहीं है। काजा 144, सुमदो 218, रोहतांगला 27, कारगिल, श्रीनगर। और इधर रुकते हैं यार थोड़ी देर। आई लव माई बाइक। फाइनली इसने मुझे अटल टनल तक पहुंचाया और क्रॉस करवाया। थैंक यू गाइस। फाइनली हम लोगों ने अटल टनल क्रॉस कर लिया है और यहाँ पर आके रुके, एक ब्रेक लिया, अभी फोटो शूट करेंगे। बाहर का रुके हुए नज़ारा है, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। अब मस्त DSLR से फोटो शूट करूँगा अपना। ये और बहुत ठंड है, बहुत। और हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब ठंड तो एक नंबर की है और व्यू भी एक नंबर का है बॉस। तो फटाफट फोटो शूट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जो पीछे व्यू है ना, क्या खूबसूरत है। बगल में है अटल टनल और ये बोर्ड लगा हुआ है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। मतलब स्नो ऊपर से दिख रही है पहाड़ पे। ठंडी ठंडी जगह पे चाय और ब्रेड ऑमलेट या मैगी, मज़ा ही आ जाता है। सुबह नाश्ता करके आए थे, अब बैठ के यही खा रहे हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। गाइस यहाँ पर धूप जा चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ही। और अब हम लोग निकलते हैं मनाली की तरफ। इससे पहले बस यहाँ पर अटल टनल पे कुछ पिक्स क्लिक करवानी है। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, हाथ पूरे जम गए हैं, मतलब मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा है, बहुत ख़तरनाक वाली। धूप चली गई है तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अटल टनल में फिर से हो गई है एंट्री हमारी। ये जो टनल है ना, ये आधा ठंडा है और आधा थोड़ा गर्म रहता है, मुझे लग रहा है। जब स्टार्टिंग का जो कुछ किलोमीटर है उसमें ठंडा है काफ़ी ज़्यादा, और आगे चलने के बाद थोड़ा गर्म गर्म लग रहा था, मतलब उस टाइम उधर सही है। यहाँ पूरे हाथ जम रखे हैं, मेरी तो नाक भी बह रही है, बहुत ठंड लग रही है यार, खतरनाक वाली। यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं ना, उनको ज़रा सी भी परवाह नहीं है या ज़रा सी भी समझ नहीं है। स्पीड लिमिट लिखी हुई है, ओवरटेकिंग मना है, बट फिर भी उनको करना है। पता नहीं कहाँ की जल्दी है यार। चलो खैर छोड़ो इन लोगों को, अब क्या ही बोलूँ। थैंक्स एंड विजिट अगेन। ओके, ओहो धूप आ गई यार, कितना अच्छा लग रहा है। अटल टनल बाय बाय मनाली, हाय हाय। यहाँ बहुत भीड़ हो रखी है, अच्छा सा फोटो शूट करा रहे हैं। सही है सही है। बाइक मैंने बंद कर रखी है और 60 अबव जा रही है यार ऐसे ही। ओ माय गॉड, बस ये देखिए पूरा न्यूट्रल कर रखा है। आज हम लोग निकले थे स्नो की तलाश में और सोलांग वैली जाना था, और कल मैंने सोचा था कि अटल टनल कल जाऊंगा,
बट सोलांग में तो कुछ मिला ही नहीं, तो हम लोग को अटल टनल जाना पड़ा। और अटल टनल आज हो गया है, तो कल पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, डिसाइड करूँगा जाके रूम पे मस्त रेस्ट करके। और चढ़ने में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, उतरने में मस्त बाइक बंद कर रखी है मैंने और मैं पेट्रोल बचा रहा हूँ। बस यार स्नो की ख्वाहिश रह गई। सोचा था स्नो ड्रेस पहनेंगे, मस्त खेलेंगे स्नो में, हुर्रे करेंगे, लेकिन यहाँ तो लग गई। गाइस ये है सोलांग वैली, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना बर्फ है ना कुछ है, बस ये स्नो पॉइंट जो बोल रहे हैं ना, ये फालतू में बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। और नया टूरिस्ट जो भी आता है वो फंस जाता है इनके चक्कर में, तो अपनी समझदारी से काम करें। क्योंकि बाहर आप जब भी जाते हैं कहीं भी किसी भी हिल स्टेशन पे, तो थोड़ी सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखो घोड़े पे लेके जा रहे हैं, हमें भी कह रहा था घोड़े पे लेके जाएंगे स्नो पॉइंट पे, घोड़े बैठ गए बच्चे लोग। चलो सोलांग को भी अलविदा, आए तो थे सोलांग ही, चले गए अटल टनल। अब चलते हैं फटाफट अपने रूम पे। और गाड़ी मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, बीच में एक जगह की थी, तब से मैं ऐसे ही चला रहा हूँ बीज रिवर, वहाँ अभी नीचे उतरते हैं, अगर जगह मिलेगी तो हम लोग बाइक साइड में लगा के जाएंगे, उधर फ़ोटो खिंचवाएंगे कुछ। गाइस हम लोग आ गए हैं नीचे, और नीचे उतर आए, और पूरी मतलब जितना भी राइड किया है वो बंद करके किया है, बाइक को बंद कर दिया था। अब रूम पे चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अब। नहीं ये नहीं है सॉरी अपना, हाँ आगे वाला है। जितना ज़्यादा पेट्रोल लगा था जाने में, उतना ही पेट्रोल मैंने बचा लिया आने में। आ गया अपना होटल, अब हम लोग चलते हैं ऊपर 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 ऊपर। वेरी गुड। हे कबूतर जा जा जा। तो आज हम लोगों ने अटल टनल, सोलांग वैली सब कवर कर लिया, बस स्नो नहीं मिली, बाकी सब मिल गया। चलो भाई लोग चलते हैं रूम पे अब।